जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर जम्मू ने सूचित किया है कि रूपनगर, लोअर रूपनगर, हाउसिंग कॉलोनी, चिनोर, दुर्गानगर, बूटानगर और आसपास के क्षेत्रों में 6 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन कर्मियों की काम छोड़ हड़ताल पहले से ही जारी है और अब इन कर्मियों ने अपने आंदोलन को और सख्त करने का मन बनाया है। 14 मार्च को J&K PHEITI ट्रेड वर्कर्स के सदस्य राजभवन का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को उजागर करेंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान जो है इसके प्रधान शेख आशिक ने कहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि श्रीनगर से जेदा और श्रीनगर से दुबई चलती है उसे की शुरुआत कर दी जाए। इन्होंने कहा कि इन फ्लाइट्स के ना चलने से अगर बात करें तो कश्मीर में टूरिज्म और साथ ही साथ जो व्यापार है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मानसर में हुए सड़क हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर सांबा के मानसर में एक दुखद सड़क घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। साथ ही साथ लिखा कि शोक संपन्न परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूँ। रामबन जिला के राजकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस के पाठशाला कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत जागरूक तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता DIG डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता ने की और इस मौके पर SP रामबन मोहिता शर्मा भी मौजूद रही। आपको बता दें कि इस मौके पर छात्रों को साइबर क्राइम और इससे बचाव के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया गया। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ पैनल ने बूस्टर खुराक के रूप में एकल खुराक COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के ट्रायल में संचालन की अनुमति देने की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अंतिम मंजूरी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक के पास भेज दिया गया है। यूक्रेन के कुछ इलाकों में अभी भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने युद्ध के बीच फंसे अपने नागरिकों को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता अरविंद वाक्ची ने बताया कि सरकार छात्रों को लेकर बहुत चिंतित है। युद्ध क्षेत्र सुमी में छात्रों की निकासी के लिए वहाँ युद्ध विराम को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के पुणे दौरे से एक दिन पहले NCP प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि मेट्रो का काम अभी अधूरा है लेकिन पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। पवार ने कहा कि पीएम को इसके बजाय यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी रविवार को पुणे में मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। यूक्रेन रूस में चल रहे भयंकर युद्ध से बचकर भारत लौटे छात्रों को कई दिनों से अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही थी लेकिन देश के मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस चिंता को खत्म कर दिया है। NMC ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि अब अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर देश आने वाले विदेशी मेडिकल स्नातक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद इंटर्नशिप भारत में ही पूरी कर सकेंगे।